हाय गाइस, दिस आयुषी जोशी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डेली द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन यहाँ डिस्कस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। उसी तरीके से आज भी 18 अप्रैल 2020 का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आज हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन द चैनल ऑफ अचीव आईएएस। विश यू अ वेरी गुड मॉर्निंग एट ऑल। एंड हेयर वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस और वॉट वी आर गोइंग टू कवर। तो आज का जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो है हेल्पिंग लेंडिंग हैंड। अदर देन द सेकेंड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अ सीजन ऑफ चेंज। थर्ड वन इज़ अ वायरस, सोशल डेमोक्रेसी एंड डिविडेंड्स ऑफ केरला। तो ये तीन जो हमारे आज के आर्टिकल्स रहेंगे जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये देखने वाली बात है कि ये जो तीन आर्टिकल हैं ये तीनों किसको कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू आरबीआई एंड इट्स रिसेंट पॉलिसी रिगार्डिंग NPS, okay. The second one is a season of change that is related to Indian Meteorological Department. Other than this, the third one is virus, social democracy and dividends of Kerala. Kerala से related है ये कि इस वायरस के दौर में या इस लॉकडाउन के दौर में केरला ने क्या क्या सोशल डेमोक्रेसीज को फॉलो किया और क्या क्या डिविडेंड्स जो है उन्हें फॉलो किया है या डिविडेंड्स ने उन्हें फॉलो किया, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये कंटेंट्स थे। इसके अलावा किस किस टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो जो कवर्ड एरिया रहेगा वो रहेगा आरबीआई की इकोनॉमिक पॉलिसी जो इकोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल चेंजेस को देखेंगे जो आईएमडी से रिलेटेड है, उसके अलावा इनोवेशन डेवलपमेंट को देखेंगे जो कि स्टेट डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन हमारा या ये एडिटोरियल जो इम्पॉर्टेंटली बेस्ड है वो यूपीएससी जो है ऑडियंस जो हमारी है यूपीएससी की वो टारगेट ऑडियंस है। तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल्स या टॉपिक्स कवर करेंगे। इसी के साथ हम कुछ फैक्ट्स को भी साथ साथ में हाईलाइटेड पॉइंट्स को भी कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हेल्पिंग लेंडिंग हैंड। बेसिकली क्या है ये, देखिए आरबीआई ने एक ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ करने की का काम किया है हमारी फिनेंशियल सिस्टम के लिए। क्या किया है आरबीआई ने, एक सेकंड सेट ऑफ मेजर्स पेश किया है हमारे सामने, जो अनाउंस किया है। ये अनाउंसमेंट जो किया गया है ये आरबीआई के गवर्नर जो है प्रेजेंट गवर्नर शशिकांत दास सर उनके द्वारा किया गया है। इकोनॉमी के लिए लॉकडाउन के लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट आर एम्ड एट मेंटेनिंग लिक्विडिटी। देखिए अधिकतर जो है लोग क्या फोकस कर रहे हैं, अधिकतर जो है गवर्नमेंट्स क्या फोकस कर रही है, इकोनॉमी को जो है लिक्विडिटी मेंटेन करना, जिससे लिक्विडिटी मेंटेन करने से वो इकोनॉमी के लिए एक लाइफ ब्लड का काम करेगी। इसी दौरान अभी रिसेंटली देयर आर सम रेगुलेटरी प्रपोजल्स एम्ड, कुछ रेगुलेटरी प्रपोजल्स लाए गए हैं और उनका एम क्या है, लाइफ को इजी बनाना, किसकी, बैंक्स की, NBFCs की और बोरोवर्स की। इट इज़ नाउ क्लियर द बैंक प्रेफर्स टू calibrate the its moves based on constant feedback from the ground। तो ये तो क्लियर है कि अभी जो moves RBI ले रही है वो डेफिनेटली बैंक्स के लिए या उन सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके लिए ये ग्राउंड्स अवेलेबल करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इट इज़ कंपल्सरी टू डू सो। इस तरीके से what has happened in what should be reassuring for the markets, Mr. Das was categorically that the RBI would do what it takes to support the economy। आरबीआई वो सारे कार्य करेगी, मिस्टर दास ने ये क्लियर किया है कि हम आरबीआई वो सारे स्टेप्स लेगी जो हमारे इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए। आरबीआई ने बहुत जेनरसली लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं पिछले कुछ टाइम में। इवन लॉकडाउन के बाद तो हम कह सकते हैं बहुत पर्टिकुलर स्टेप्स उठाए गए हैं आरबीआई द्वारा। तो ये श्योर है कि आने वाले समय में ये देखने की ज़रूरत है कि हमें, हाँ देखिए चिंता का दौर तो है क्योंकि एक टाइम पीरियड तो है जिसे हम फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिकल जो है डाउन, लॉकडाउन के साथ इकोनॉमिकल डाउन पीरियड का भी टाइम है। बट श्योरली ये जो कॉन्सिक्वेंसेस ये देखने को मिल रहे हैं, ये जो स्टेप्स आरबीआई द्वारा उठाए जा रहे हैं या जो पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं, ये किस हद तक इकोनॉमी को इफेक्ट करती है या उसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती है, नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आगे देखी जाएगी। तो देखिए, बहुत बड़े लेवल पे ऑब्जेक्ट्स को कवर करते हुए आरबीआई की कमांड में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो किए जा रहे हैं जो डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय ऑल द इंस्ट्रूमेंट एट दी आरबीआई कमांड। इकोनॉमी को अफ्लोट करने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सबको आरबीआई के द्वारा डिप्लॉय किया जा रहा है। द सेंट्रल बैंक हैज़ लर्न फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंस, सेंट्रल बैंक ने अपने एक्सपीरियंस से ये लर्न किया है कि TLTRO ऑपरेशंस जिसे हम कहते हैं TLTR ऑपरेशंस, मतलब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टिल नाउ, अब तक, व्हेन बैंक्स प्रेफर टू डिप्लॉय द फंड्स इन बॉन्ड्स ऑफ PSUs और लार्ज कॉर्पोरेट्स के जो बॉन्ड्स हैं या जो फंड्स हम कह सकते हैं उनको डिप्लॉय करना बॉन्ड्स के अंदर, इस तरह के प्रेफर्ड स्टेप्स जो है TLTRO के तहत उठाए गए हैं सेंट्रल बैंक द्वारा। तो द RBI हैज़ कॉल्ड आउट दिस रिस्क ऑफ एटीट्यूड ऑफ द बैंक वाइल अनाउंसिंग अ फर्दर 50,000 crores TLTRO। अब TLTRO जो अब तक जो है डिप्लॉय कर दिए गए फंड्स बॉन्ड्स के रूप में, उस तरीके से देखा जाए तो NPS बहुत हाई लेवल पे बढ़ जाते हैं। उस रिस्क ऑफ फैक्टर को, या हम कह सकते हैं रिस्क ऑफ करने के लिए उस फैक्टर को, आरबीआई ने एडिशनली 50,000 crores के TLTRO अनाउंस किए हैं। ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स। ये सारे 50,000 crores जो TLTRO है उन्हें कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा? बॉन्ड्स और पेपर ऑफ NBFCs और माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट, पेपर और बॉन्ड्स के रूप में इन्हें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड जो है, अब ये TLTRO के स्टेप के बाद में हम ये देख सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट स्टेप लेकर आई है सेंट्रल बैंक TLTRO से रिलेटेड, वो कितना दिलचस्प होता है, किस हद तक। अच्छा, सबसे पहले बात तो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बड़े दिलचस्प होंगे। उसी तरीके से, बाय रिड्यूसिंग द रिवर्स रेपो रेट by another 25 basis points to 3.75%। उसके अलावा जो एडिशनल, उसी तरीके से एक और स्टेप है, दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस किया गया है बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 3.75% तक, ठीक है। The RBI has made it furthermore unattractive for banks to indulge in lazy banking by parking excess funding in with the central bank rather than lend. Okay, so इस तरीके का जो ये unattractive बैंक के लिए बना देता है RBI, क्योंकि lazy banking के तौर पे ये जो funds इन्होंने यहाँ पे जो अलाउ किया है वो सेंट्रल बैंक द्वारा किए गए लैंडिंग के तौर पे लिया जाएगा। बिकॉज ये जो स्टेप है ये कहीं ना कहीं लेज़ी बैंकिंग को प्रोत्साहित करता है। एज मच एज 6.9 lakh crore rupees was parked with RBI as on April 15th. This is the time when banks will have to be liberal. देखिए 15 अप्रैल तक की अगर हम बात करें तो RBI ने करीब 6.9 lakh crore rupees अब तक पार्क किए हैं। सो दिस इज़ द टाइम, ये टाइम है जब बैंक्स के प्रति आरबीआई को लिबरल होने की ज़रूरत है और ये वर्किंग कैपिटल या लोन्स, ओवरड्राफ्ट्स जो है अपने बोरोवर को प्रोवाइड करवाने के लिए, चाहे वो MSMEs को भी इंक्लूड कर लीजिए आप, तो उन सबको इंक्लूड करते हुए बैंक्स MSMEs को जो लोन्स और ओवरड्राफ्ट्स जो है अपने बोरोवर्स को प्रोवाइड करवाने के लिए रिलैक्सेशन देना होगा, उन्हें एक लिबरल पॉलिसी को फॉलो करना होगा और इसके अंदर गवर्नमेंट उन्हें हेल्प कर सकती है, जिससे कि वो गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है? तो वो क्रेडिट एश्योरेंस की लिमिट को, या क्रेडिट एश्योरेंस के लिए जो स्कीम्स बनाई गई है उनके लिमिट्स को एक्सटेंड करके वो उनका हेल्प कर सकती है। दैट विल एनकरेज बैंक्स, जिससे कि क्या होगा, बैंक्स और भी एनकरेज होंगे और भी लिबरल पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे। By clarifying that there will be an asset classification standstill during the moratorium period for accounts that were not allowed already NPAs as of March 1st। देखिए already NPAs जो है March 1st तक एक allowance period होता है कि आपको उस समय तक NPAs कवर कर देने होते हैं, जितना आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो बैंक्स पर पड़ता है RBI की तरफ से। तो द RBI हैज़ ब्रॉट रिलीफ टू बोरोवर्स, RBI ने उन बोरोवर्स जो कि लोन, हम कह सकते हैं लोन्स या जिनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उन बोरोवर्स को एक लिमिट के दौरान एक रिलीफ पैकेज दे दिया है, जिसके तहत उन्हें जो एनपीएस को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है. दे कैन गेट सम टाइम. द स्टेट फिनेंसेस हैव गॉट सम ब्रीदिंग स्पेस थ्रू द इंक्रीज. उन्होंने क्या किया, अच्छा क्या स्टेप उठाया स्टेट फिनेंसेस ने, WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस को 60% तक बढ़ा दिया है, उसकी लिमिट को 60% तक बढ़ा दिया है, जो कि 31 मार्च जिसका जो है सबमिशन डेट रहेगी. द स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़, ये जो रीफिनेंस करने की जो स्पेशल फैसिलिटी दी गई है 50,000 करोड़ की, ये कौन कौन सा एरिया कवर करती है, नाबार्ड, सिडबी और NHB. तो इन इंस्टीट्यूशंस को की हेल्प के द्वारा हमारे इकोनॉमी को एक बेटर वे में ले जाने की एक पहल की गई है RBI द्वारा, है ना, ये स्पेशल रीफिनेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू. द सेंट्रल बैंक हैज़ डन व्हाट इट कैन. अब देखिए इस स्टेप के थ्रू सेंट्रल बैंक वो कर चुका है जो वो कर सकता है. अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर कि वो कैसी फिस्कल पॉलिसी है, कैसा फिस्कल पैकेज लेकर आता है, जो कि गवर्नमेंट RBI की इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए बोरोवर्स को या बैंक्स को फैसिलिटेट करते हैं. ठीक है, इट वॉज ऑल अबाउट दी लैंडिंग पॉलिसी, जो अभी हमने देखा RBI ने जो है एक नए मेजर्स लेकर आई है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया. आज का हमारा सेकेंड आर्टिकल है अ सीजन ऑफ चेंज. देखिए ये IMD से रिलेटेड है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. टू इनकॉर्पोरेट लेसन्स फ्रॉम द न्यू नॉर्मल्स. अभी के टाइम में कुछ लेसन्स देखने को मिले हैं, कुछ हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ लेसन्स लिए हैं अब तक के डिसीजन से, और आने वाले जो दौर के अंदर कुछ स्पेशल डिसीजंस लेने चाहिए, उस बेसिस पर कुछ लेसन्स लिए हैं और उन लेसन्स के बेसिस पर कुछ अभी रिसेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं. अब क्या है ये, उसके बारे में देखेंगे. इन द सीजन ऑफ एबनॉर्मल, जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी जो टाइम चल रहा है दिस इज़ द एबनॉर्मल टाइम. IMD ने अनाउंस किया है कि मानसून जो है वो इस साल नॉर्मल रहेगा. आने वाले मतलब ये जो ईयर है 2020 का, इसके अंदर आने वाले टाइम में मानसून बिल्कुल नॉर्मल रहेगा. द एजेंसी ने 2 फोरकास्ट सिस्टम को फॉलो किया, 2 स्टेजेस को फॉलो किया है. According to them, April, whether there are chances of drought or any other anomaly. इट मीन्स उनका ये कहना है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कि ये जो टाइम है अप्रैल का, अप्रैल के अंदर चांस है ड्रॉट के या किसी अदर एनोमली के, मतलब ऐसी कोई ड्रॉट या अदर कुछ घटना घटित होने के चांस हो सकते हैं या अदर थोड़ा एबनॉर्मलिटी के चांसेस हो सकते हैं. और सेकंड जो उनका फोरकास्टिंग सिस्टम फॉलो किया है उन्होंने, वो है लेट जून का. सेकंड अनाउंसमेंट इज़ ऑफ लेट जून. इन लेट जून विथ अ मोर ग्रेन्युलर लुक एट हाउ द मानसून विल लाइकली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द कंट्री एंड वेदर डेंजर साइंस आर इमिनेंट. अब डेंजर खतरे के साइन हैं या नॉर्मल जो है ग्रेजुअल हमारा मानसून रहेगा जैसा कि पहले होता आया है, इस बारे में कुछ डिसीजंस लेंगे. 2 फोरकास्ट को बेस बनाया है अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने. नॉर्मल मीन्स इंडिया विल गेट 100% ऑफ इट्स लॉन्ग पीरियड एवरेज, लंबे समय से जो चला आ रहा है उसका 100% कवर करेगा विद द 5% ऑफ एरर मार्जिन. ठीक है, सो द IMD's अप्रैल फोरकास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट इट इज़ not much to go by, especially if the agency declares it normal as rarely. एजेंसी जो है IMD जो है वो बहुत नॉर्मल तभी यूज़ में लेती है या नॉर्मल तब कह सकती है जब कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू IMD डू वेदर मॉडल्स कैच. अब देखिए ये क्या होता है कि नॉर्मल बिहेवियर तब होता है, नॉर्मल तब घोषित किया जाता है जब वहाँ पे कुछ शॉर्ट रेनफॉल है या कुछ शॉर्टफॉल ही है, मतलब जनरल एवरेज जो चला आ रहा है लंबे टाइम से वो एटमॉस्फेयर रहेगा. तो इस तरह के साइंस अभी हमें IMD ने दिए हैं कि अभी शॉर्टफॉल ही होगा, इम्पेंडिंग शॉर्टफॉल और लार्ज एक्सेस इन अप्रैल. अप्रैल में या तो कुछ लार्ज एक्सेस हो सकता है या कुछ शॉर्टफॉल ही पर ही डिपेंड करता है. अब ये साइन किस तरीके से ले सकते हैं हम, ये डिपेंड करता है IMD के सिग्नल्स पे. ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ द हायरार्कियल गवर्नमेंट सेटअप, जैसा कि हायरार्कियल गवर्नमेंट सेटअप के अगर पार्ट के रूप में बात करें तो द एजेंसी, ये जो एजेंसी है आईएमडी जो है, डिफॉल्ट्स टू बीइंग कंजर्वेटिव। इन अप्रैल लास्ट ईयर इट सेड, अप्रैल लास्ट ईयर में आईएमडी द्वारा ये कहा गया था कि मॉनसून वुड बी नियर नॉर्मल, करीब नॉर्मल के करीब रहेगा मॉनसून, है ना। तो एक आर्बिट्रेरी कैटेगरी के अंदर रहेगा, ऐसा अनाउंस किया गया था आईएमडी द्वारा। तो प्राइवेट फॉरकास्टर्स एक्सपेक्टेड अ शॉर्टफॉल, लेकिन प्राइवेट फॉरकास्टर्स जो थे उनका ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल होगा। प्रेडिक्टेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर अल नीनो, आने वाले जो अल नीनो का प्रभाव देखते हुए उसके डेवलपमेंट के बेसिस पर प्रेडिक्ट किया था ये सारी चीज़ें। सो द आईएमडी डिड नॉट अकाउंट for this but said it was unlikely El Nino would strengthen enough to dampen the monsoon। ऐसा IMD का दावा था कि उनका ऐसा कहना था कि unlikely El Nino would strengthen enough to dampen the monsoon, मानसून को डैम्पन करने के लिए एक अच्छा स्ट्रेंथ के रूप में El Nino कार्य कर सकता है। इट हाउएवर केप्ट इट्स एस्टिमेट ऑन द लोअर साइड ऑफ नॉर्मल, तो उन्होंने अपने एस्टिमेट को लोअर से भी लोअर साइड में, कह सकते हैं हम नॉर्मल से भी लोअर साइड में रखा था। इन द एंड इंडिया रिसीव्ड एक्सेस रेनफॉल, तो हम कह सकते हैं अभी तक के क्वार्टर सेंचुरी तक के जो एवरेज की बात करें तो इंडिया ने एक्सेस रेनफॉल गेन किया लास्ट ईयर। तो इन दी एंड, एट दी एंड ऑफ द ईयर, ओके। सो हम ये कह सकते हैं कि जो एस्टिमेशन था या जो प्रेडिक्शंस थे आईएमडी के, दैट वर नॉट अप टू डेट। द अप्रैल फॉरकास्ट इज़ अ वेस्टाइज ऑफ द एजेंसीज रिलायंस ऑन द स्टैटिस्टिकल फॉरकास्ट सिस्टम। तो अभी अप्रैल का जो फॉरकास्ट दिया है एजेंसी ने वो स्टैटिस्टिकल फॉरकास्ट सिस्टम पर बेस्ड है, जहाँ पर वैल्यूज़ ऑफ सेलेक्टेड मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स आर रिकॉर्डेड अंटिल 31 मार्च। तो 31 मार्च तक कुछ स्पेशल पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किया गया है, उसी के बेसिस पर ये स्टैटिस्टिकल फॉरकास्ट सिस्टम दिया गया है ना। and permutations of these are computed and compared to the IMD's archives of weather data। अभी तक weather data जितना भी IMD ने दिया है तो उससे अगर हम लोग compare करें या compute करें तो permutations जो है वो देखने को मिलते हैं इसके। तो अब ये देखने की बात है। इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ एन एरा व्हेन लैंडलाइन टेलीफोन्स वर द स्टेट ऑफ द आर्ट इन पर्सनल कम्युनिकेशन, जिस समय पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में साबित हुए थे टेलीफोन्स जो है, या लैंडलाइन टेलीफोन्स जिसे हम कहते हैं, उस एरा को प्रतिबिंबित करता है आज का दौर या आज का ये समय। सो रिसेंट फॉरकास्ट के बेसिस पर अगर हम बात करें, क्लाइमेट एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्लाइमेट जो है उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए हैं, क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिलता है। अलाउज न्यू वेदर वेरिएबल्स, नए वेरिएबल्स हमें देखने को मिलेंगे, सच एज सरफेस टेम्परेचर from as remote as the southern Indian Ocean and regular updates from the Pacific Oceans। अब ये डिपेंड करता है कि रेगुलर अपडेट्स के आधार पर इन्हें मैप किया जाना चाहिए आने वाले समय में। पावरफुल कंप्यूटर्स जो है वो मैथमेटिकली स्टिमुलेट करते हैं वेदर को बेस्ड ऑन दीज वेरिएबल्स एंड एक्स्ट्रापोलेट ऑन टू डिज़ायर्ड टाइम फ्रेम्स। एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड टाइम फ्रेम के दौरान कितना एक्स्ट्रापोलेट हुआ या वेरिएबल्स आए हैं, उसी के बेसिस पर पावरफुल कंप्यूटर्स जो है मैथमेटिकली सिमुलेट कर सकते हैं प्रेजेंट वेदर को। तो इन डायनामिक मॉडल्स को यूज़ करते हुए आईएमडी जो है वो अपना जो एक्सपेरिमेंटल जो बेसिस पर है कुछ सालों से फॉर ईयर्स आने वाले समय में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इनको इनकॉर्पोरेट करते हुए डायनामिक मॉडल्स को यूज़ करते हुए अपने डेटास को पब्लिश कर सकता है ना। इट मेड 2 कीज़ दिस ईयर, इस साल 2 कीज़ जो है बनाता है ये। रिड्यूसिंग द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेनफॉल, अभी 2 मापदंड जो लिए गए हैं बेसिकली, देखिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि रेनफॉल का नॉर्मल का जो एवरेज लिया गया 88 सेंटीमीटर तक ले आया गया है, रेनफॉल बाय 1 सेंटीमीटर टू 88 सेंटीमीटर, 1 से 88 सेंटीमीटर तक का इसका मापदंड नॉर्मल कैटेगरी में लिया गया है। ऑफिशियली अपडेटिंग मॉनसून ऑनसेट एंड अराइवल डेट्स फॉर मैनी स्टेट्स। This was long due and constituted acknowledgement for the accumulated impact that global warming has been having and monsoon pattern। हम ये कह सकते हैं कई सारी cities या states के अंदर particularly ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मॉनसून को पैटर्न कर रही है, बना रही है, मॉनसून का माहौल बना रही है। द मॉनसून वॉज अराइविंग लेटर इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पर मॉनसून बाद में आएगा, ऐसा आ रहा था अब तक। हैड लॉन्ग वीक स्पेल्स एंड लिंगर्ड लॉन्गर, दिस हैज़ ऑलरेडी हेराल्डेड थिंकिंग इन द एजेंसी on whether India should move to a new monsoon accounting। देखिए अभी तक on an average अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं तो नए मेजर्स जो हैं अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, 2 मेजर्स लिए गए हैं जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, तो अभी तक एक एजेंडा सा बना हुआ है कि IMD इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो दैट उसके जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। तो उसी को बताया गया है यहाँ पे कि रिसेंट जो मापदंड अपनाए गए हैं वो किस बेसिस पर अपनाए गए हैं। अब देखिए ये तो बाद में ही पता चल सकता है कि ये किस हद तक किस लेवल तक जाके सही होते हैं, या ये प्रेडिक्शंस भी पहले प्रेडिक्शंस की तरह ही कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें आने वाले टाइम में पता चलेगी, है ना। So this would signal a truly momentous break from the past। हो सकता है कि ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं ये आने वाले समय और पहले के समय में जो अब तक पास जो हम ले चुके हैं, मोमेंट्स ले चुके हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा सिग्नल, मतलब हम कह सकते हैं एक आउटब्रेकिंग सिग्नल साबित हो। Just as COVID-19 enforcing introspections on the links that tie people, trade and ecology, it is also time for the IMD to incorporate the lesson from the new normals। अभी आने वाले समय में या आज का जो समय हम new normals जो spend कर रहे हैं, अभी जो नए मापदंडों को हम देख रहे हैं मौसम के, तो इनको देखते हुए IMD के लिए भी एक अच्छा समय है कि वो अपने एक new कैटेगरी या न्यू एरिया क्रिएट कर सकता है। तो ये जो आर्टिकल आज हमने लिया है ये आर्टिकल बेस्ड है IMD पर, या हम कह सकते हैं ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट पर। इसके अंदर हमने सीज़न के चेंज को लेके और IMD के अब तक के प्रेडिक्शंस या अब तक के जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें और अभी रिसेंट स्टेटमेंट के बीच में के डिफरेंसेस को जानने की कोशिश की है, और ये कोशिश की है कि हम ये समझ सकें कि क्या अभी के दौर में IMD खुद को साबित कर सकता है, या आने वाले दौर में IMD खुद को वर्चुअल जो है उस बेसिस पर ही कंटिन्यू करेगा। आज का हमारा थर्ड आर्टिकल है वायरस, सोशल डेमोक्रेसी एंड डिविडेंड्स ऑफ केरला। देखिए ये पूरा आर्टिकल मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो कि केरला पर बेस्ड है। आपको पता है कि रिसेंट जो है काफ़ी क्राइसिस, इंटर स्टेट रिलेशनशिप्स को ले लो या अदर और भी क्राइसिस जो है, फर्स्ट एवर जो केस हम कह सकते हैं कोविड का वो केरला में देखा गया। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ भी केरला काफ़ी सारी चीज़ों में, चाहे इकोनॉमिकल ले लो, चाहे सोशल एवोल्यूशन ले लो, चाहे हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के दौर को हैंडल करने का जो टाइम पीरियड है या सिचुएशन है, इन सब के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो केरला इज़ लीडिंग ओवर ऑल दी स्टेट्स। ओके, इवन ये इंडिया को इक्विवेलेंट खड़ा है, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट, ओवरऑल इंडिया में जितना डेवलपमेंट वर्क हो रहा है उतना एक केरला के अंदर हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर जो ये हम कह सकते हैं आर्टिकल है पैट्रिक हेलर का, इसके अंदर इसी को डिस्क्राइब किया गया है कि एट प्रेजेंट केरला गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए किस तरीके से एक नींव का पत्थर साबित हुई है, और हम लोग किस हद तक सेंट्रल या स्टेट अदर स्टेट गवर्नमेंट्स को केरला से क्या क्या सीखना चाहिए, या किन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं जो एक स्टेट गवर्नमेंट के तौर पर केरला फॉलो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है। अच्छा, केरला इतना ही नहीं कि सिर्फ सेल्फ स्टेट ही नहीं, केरला ही नहीं, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टेट्स को ओवरकम कर रही है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स के लिए भी पॉजिटिवली वर्क कर रही है, और खुद के स्टेट के लिए तो कर ही रही है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी सोशल राइट्स, लीगेसी या पब्लिक ट्रस्ट, इन सबको ध्यान में रखते हुए केरला गवर्नमेंट इज़ परफॉर्मिंग ऑन टॉप, और आई कैन से इट इज़ द बेस्ट एवर गवर्नमेंट विच कैन वर्क लाइक दिस। तो इस तरीके से इस एडिटोरियल में या इस आर्टिकल के अंदर वी आर गोइंग टू सी, if you will go through this article you will get that how government is doing its work, how the government is mobilizing its work, how the government is taking steps, and how it is coming in the level of Indian government or central government of any state or any country, or the country's equivalent steps are taking a state government. So all these steps, all these topics will be covered in this article. So it is your homework that that you have to go through this article. आप stop कीजिए वीडियो को, इसको open कीजिए आर्टिकल को और बिल्कुल इसको grow up कीजिए और read कीजिए. अगर आपको कोई भी issue आता है, आप कोई भी issue देखते हैं इस आर्टिकल से related या और भी जो हमने दो articles discuss किए हैं उससे related, तो definitely मुझे comment section में आपका कमेंट दीजिए कि आपको कोई इशू आ रहा है या आपको कोई क्वेरी है, या अगर आपको अच्छा भी लगता है ये आज का सेशन तो प्लीज़ कमेंट ऑन दी इन दी कमेंट सेक्शन एंड गो थ्रू ऑल दी वीडियो. पूरे वीडियो को देखिए जिससे कि आपको समझ में आए कि चीज़ें क्या बताना चाह रही है या एडिटोरियल सेक्शन या एडिटर्स जो हैं हमारे वो क्या बताना चाह रहे हैं या किन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं. और ये एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है. देखिए लॉकडाउन के टाइम पे हमारा मोस्ट ऑफ द जो फोकस है वो रहता है कोविड-19, कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कितने रिलीफ हो रहे हैं, कितने डेड हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फोकस कर रहे हैं. तो हम स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या काम कर रही है या डिपार्टमेंट्स अपने अपने किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इन एडिटोरियल सेक्शन में देखने को मिलता है. तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट को एडिटर्स के थ्रू, एडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू कवर कर सकते हैं. सो ऑलवेज गो थ्रू दीज वीडियोज़, ऑलवेज आई विल बी हियर. मैं आपके लिए स्पेशली हिंदी में ये आर्टिकल्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपको इससे हेल्प मिल सके. सो thanks for being with me. This was Ayushi Joshi on the channel of Achieve IAS. If you have any doubt, query or any compliment or comment towards me, then you can comment in the comment section. Okay, bye bye, take care, have a nice day.